फ्रेंड्स, सिंपल एंड यूनिक किचन में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है शालिनी। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए यूनिक स्टाइल से अरवी की सब्जी लेके आई हूँ। अगर आप इस स्टाइल से अरवी की सब्जी बनाएंगे तो आपके परिवार में जो भी अरवी नहीं खाता होगा वो भी अरवी मांग मांग के खाएगा। अगर अरवी की सब्जी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आइए अलग ही स्टाइल से अरवी की सब्जी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने ये अरबी लिया, इसे हमने छील के गोल गोल मोटा मोटा कट कर लिया है, इस तरीके से आपने देखा है। अब हमने एक कढ़ाई गैस पर रखी है, इसमें हम एक स्पून भर के ऑयल डालते हैं और ऑयल को गर्म होने देते हैं। और ऑयल जब गर्म हो जाए, इन अरबी को हम इसमें डाल देते हैं और अरबी को हम इसमें डीप फ्राई कर लेते हैं। मतलब आप देखेंगे हल्का इसका कलर चेंज हो जाएगा, इतना हमें इन्हें डीप फ्राई करना होता है। जब तक यहाँ पे ये अरबी डीप फ्राई हो रही है, इधर हमने ये कट किए टमाटर, एक दो हरी मिर्च और एक अदरक का टुकड़ा लिया है। इन्हें हम मिक्सी के जार में डालते हैं और इनके पीस के एक पेस्ट तैयार कर लेते हैं, इनका पेस्ट बना लेते हैं। और इधर हम अरबी को चलाते रहते हैं। उसके बाद ये जब अरबी हमारी डीप फ्राई हो जाए, इन्हें हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। और इधर ये हमारा टमाटर का पेस्ट तैयार हो गया है। अब हम जो बचा हुआ ऑयल है उसी में एक स्पून अजवाइन डालते हैं। और अजवाइन के होने के बाद इसमें हम हल्दी पाउडर डाल देते हैं, फिर हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं और इसमें अब हम टमाटर का पेस्ट डाल देते हैं, जो हमने अदरक हरी मिर्च टमाटर का पेस्ट बनाया था। और इन तीनों चीज़ों को भून लेते हैं। अच्छे से भूनना होता है जब तक कि हमारा ऑयल इसमें से अलग ना दिखाई देने लगे, थोड़ा बॉयल सा ना आ जाए। इसमें हम धनिया पाउडर भी डाल देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स करते हैं। जैसे ही हमारा थोड़ा उबाल आने लग गया, बॉयल आने लग गया है, इसमें ऑयल भी हल्का हल्का सा अलग दिखाई देने लग गया है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें एक और स्पेशल इंग्रेडिएंट डालेंगे जो कि है हमारा ये दही। ये हमारा मथा हुआ दही है, इसे हम इसमें डाल देते हैं। दही को तभी डालें जब बिल्कुल बॉयल आ जाए टमाटर में, क्योंकि वरना ये फट जाएगा। और दही डालते ही हमें इसे चलाते रहना है, क्योंकि दही फट सकता है, क्योंकि टमाटर खट्टे होते हैं, इसलिए। तो हम चलाते रहेंगे जब तक कि इसमें थोड़ा बॉयल ना आ जाए। जैसे इसमें बहुत जल्दी बॉयल आ जाएगा दही में, जैसे आने लग गया, जैसे आप देख सकते हैं, चलाते रहेंगे इसे। और जैसे ही ये बॉयल आने लग गया है, तो अब हम क्या करेंगे, इससे हमारा जैसे ऑयल भी अलग दिखाई देने लग गया है, इसे आप देख सकते हैं। तो इसमें अब हम डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, इससे हमारा टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है ये अरबी की सब्जी का। और उसके बाद लास्ट में हम डालेंगे ये कसूरी मेथी। कसूरी मेथी आप इस अरबी की सब्जी में ज़रूर डालें, इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर लगेगा, टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बन के ये आएगी। इसे अब हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये हमारी सब अच्छे से मिक्स हो गई हैं, इसमें अब हम ये अरबी डाल देते हैं और अरबी को भी इसमें अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से चलाते हुए इसमें अरबी को मिक्स करना होता है। थोड़ा सा अब हम पानी डाल देते हैं, हमने टमाटर वगैरह का जो पेस्ट का पानी था वही हमने इसमें डाल दिया है धो के। इसमें वैसे डाल दीजिए, नॉर्मल डाल दीजिए, ताकि आपको जितनी गाढ़ी पतली सब्जी रखनी है आप उस हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। ये सब्जी थोड़ी गाढ़ी ही अच्छी लगती है, तो हमने अभी थोड़ा कम पानी ही डाला है। अभी तो ये खदकेगी तो ये इसके बाद अपने आप ही गाढ़ा भी हो जाता है। इसमें स्वाद अनुसार हम नमक भी डाल देते हैं और नमक डालने के बाद भी इसे हम खूब अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा अच्छे से खदकाएंगे। इसे हम ढककर 2 मिनट के लिए पका लेते हैं, 2 मिनट के लिए भी नहीं बल्कि 1 मिनट के लिए, ताकि हमारे सारे मसाले वगैरह अच्छे से सेट हो जाएं अच्छी तरीके से। इस तरीके से हम इसे पका लेते हैं। इसे देख सकते हैं आप, हमारा बिल्कुल ऑयल वगैरह भी अलग आने लग गया है, बिल्कुल हमारा ये सारे मसाले अच्छे से सेट हो गए हैं इसमें। इसे हम अच्छे से एक बार मिक्स करते हैं इस तरीके से। ये देखिए हमारी सब्जी भी कितनी गाढ़ी हो गई। और अभी आप इसे बस 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा, एकदम गाढ़ी सब्जी होके आ जाएगी। और अगर आपको और गाढ़ी करनी है तो आप कर सकते हैं। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसमें फाइनली हम धनिया पत्ती डाल देंगे और हमारी ये अरबी की सब्जी बिल्कुल बनके तैयार हो गई है, स्पेशल अरबी की सब्जी। इसे अब हम सर्व करते हैं। फ्रेंड्स, ये अरबी की सब्जी आप लोगों को कैसी लगी जल्दी जल्दी कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए इस बटन को प्रेस करें। धन्यवाद।